चीन ने हिंद महासागर में रिसर्च करने का दावा करके अपने जिस युआंगवांग 5 जहाज को भेजा था, खबर है कि वो समंदर में अफ्रीका तक एक नया रास्ता तलाशने में लगा है। ऐसा रास्ता जो भारत के रडार से दूर हो, ताकि चीन बेरोक टोक अफ्रीका महाद्वीप तक अपनी पहुंच बना सके और हिंद महासागर में भी वैसी ही दादागिरी कर सके जैसी वो दक्षिण चीन सागर में कर रहा है। यानी चीन की चालबाजी पर भारत को जो शक था वो अब पुख्ता होता नजर आ रहा है। युआंगवांग 5 वही जहाज है जो चीन से श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंचा था और फिर अभी 22 अगस्त को ही वहां से हिंद महासागर के लिए निकला था। चीन ने दावा किया था कि उसका शिप रिसर्च ट्रैकिंग के मिशन पर जा रहा है, लेकिन भारत को दाल में काला बहुत पहले ही नजर आ गया था। वो पहले दिन से ही चीन के युआंगवांग 5 जहाज के हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुकने के खिलाफ था। इसलिए भारत ने श्रीलंका से इस बारे में विरोध भी दर्ज कराया था, क्योंकि भारत को पता था कि चीन रिसर्च की आड़ में समंदर में टोह लेने की फिराक में है और अपने जहाज के जरिए हिंद महासागर में जासूसी करने की ताक में है, क्योंकि युआंगवांग 5 चीन में बना एक ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। स्पेसक्राफ्ट ट्रैकिंग शिप है जिसे चीन की सेना का स्पेस विंग अंतरिक्ष में सैटेलाइटों को ट्रैक करने और सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करता है। चीन के इस युआंगवांग 5 जहाज में बेहद ताकतवर एंटेना लगे हैं जिससे वो लंबी दूरी तक निगरानी कर सकता है। इसी वजह से चीन अपने युआंगवांग क्लास के जहाजों से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की ट्रैकिंग भी करता है। इसलिए भारत को चीन के युआंगवांग 5 जहाज के दौरे से साजिश की बू आ रही थी, हालांकि चीन बार बार रिसर्च की बात कहकर मामले को रफा दफा करने में लगा था। लेकिन अब चीन का राज फाश होता दिख रहा है, क्योंकि खबर है कि चीन का 11,000 टन का युआंगवांग 5 जहाज हिंद महासागर के तल की मैपिंग करने में लगा है। बताया गया कि ये मैपिंग चल रही है श्रीलंका के 2000 किलोमीटर दक्षिण में। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि चीन का युआंगवांग 5 जहाज अफ्रीका के पूर्वी तट तक पहुंचने के लिए एक नया सी रूट तलाश रहा है, जो कि ऐसा समुद्री रास्ता होगा जिससे मलक्का, सुंडा और लंबोक स्ट्रेट को बाईपास किया जा सकेगा। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में मलक्का स्ट्रेट, वहीं सुंडा स्ट्रेट इंडोनेशिया और सुमात्रा और जावा द्वीपों के बीच पानी का संकरा रास्ता है, और जो लंबोक स्ट्रेट है उसके बाईं तरफ इंडोनेशिया का बाली और दाईं तरफ लंबोक द्वीप। चीन अफ्रीका के पूर्वी तट तक पहुंचने के लिए इन तीनों स्ट्रेट का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी दिक्कत यह है कि ये तीनों स्ट्रेट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के करीब हैं। इसलिए भारत अपने जहाजों और प्रेडेटर ड्रोन के जरिए इन तीनों स्ट्रेट की निगरानी करता है। इसी वजह से भारत को इन तीनों स्ट्रेट से गुजरने वाले चीन के जहाजों की भनक लग जाती है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन पूर्वी अफ्रीका तक नया रूट ढूंढकर अपने जहाजों को भारत की नौसेना की नजर से बचाना चाहता है। इसके लिए वो अफ्रीका तक पहुंचने का शॉर्टकट छोड़कर लंबा रूट पकड़ने को भी तैयार है। ये नया और लंबा रूट इंडोनेशिया और उसके पड़ोसी देश ईस्ट तिमोर के पास अम्बई और वतार स्ट्रेट होगा, जो कि श्रीलंका के काफी दक्षिण से होकर गुजरेगा। इससे होगा यह कि चीन के जहाज भारत की नजर से बच जाएंगे और चीन की पोल खुले बिना वो सीधे पूर्वी अफ्रीका तक पहुंच सकेंगे। मतलब चीन को बस भारत से बचकर किसी तरह अफ्रीका तक पहुंचना है, फिर चाहे उसके लिए उसे अपने जहाजों के तेल पर भारी भरकम पैसा ही क्यों ना फूंकना पड़े। लेकिन चीन यूं ही किसी पर जान नहीं छिड़कता, बल्कि खर्च की अपनी एक एक पाई सूद समेत वसूलता है। असल में अफ्रीका चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, और इसलिए चीन अफ्रीका में पानी की तरह पैसा बहा रहा है। जिबूती में तो चीन अपना नेवल बेस भी बना चुका है, और नए समुद्री रूट के जरिए चीन के लिए हिंद महासागर के किनारे बसे केन्या, तंजानिया और मोजाम्बिक जैसे देशों तक पहुंचना आसान होगा।